कि गैस सिलेंडर में सब्सिडी न लें। देने का भी एक आनंद होता है, देने का भी एक संतोष होता है। और जब आप गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं लेंगे तब मन में याद रखिए कि ये जो पैसे देश में बचने वाले हैं वो किसी न किसी गरीब के काम आने वाले हैं, वो आपके जीवन का संतोष होगा। ये है यूपी के बुलंदशहर जिले की झाझर गांव की बबीता देवी। बबीता के पति खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं और ये परिवार बीपीएल की श्रेणी में आता है। बबीता कुछ दिनों पहले तक घरेलू कामकाज करने के बाद जब खाना बनाने बैठती थी तो कंडों के धुएं से खाना बनाना पड़ता था। लेकिन महज दो हफ्ते पहले जब से मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनके यहाँ गैस का सिलेंडर और चूल्हा मिला है, उनकी दुनिया ही बदल गई है। चूल्हे पे बनता था उपलन से, फिर धुआं होता था बहुत, अब गैस पे बनता है, ये फायदा हुआ, धुआं नहीं होता घर पे। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को गैस सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त उपलब्ध कराना है। मोदी सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है जिसके लिए पीएम लगातार लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने का अनुरोध कर रहे थे, जिससे कि गरीब परिवार की महिलाओं को खाना बनाने के दौरान धुएं से राहत मिल जाए। मोदी की इस योजना से गांव में लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रधान जी की तरफ ही लिस्ट आई थी, उन्होंने बताया था कि अपने बीपीएल का कार्ड से फार्म भर दो, हमने फार्म भरा और हमारा वो आ गया नंबर। लेकिन यह योजना अभी सभी लोगों तक नहीं पहुंची है। झाझर गांव में ही कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाने की बात कही। दिक्कत यह है सर, हमारे यहाँ जो बीपीएल कार्ड की जो लिस्ट आई है गैस कनेक्शन की, पीछे से गांव में है 40% कनेक्शन बीपीएल, और मुश्किल से 20% लोगों को ही जो कनेक्शन मिल पाया है यहाँ। हमारा बीपीएल का कार्ड है, हमें कुछ नहीं मिला, सिलेंडर भी फार्म बनने को हमें 3 महीना हो गए, अभी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। हालांकि लोगों का कहना है कि मोदी सरकार की योजना काबिले तारीफ है और इसका गरीब परिवारों को फायदा पहुंचेगा, बशर्ते ये उन सभी तक पहुंच जाए। बुलंदशहर से कैमरामैन विकी के साथ गवर्नेंस नाउ के लिए अमित श्रीवास्तव।